ये देखो भाई, ये रही हमारी टिक्की। अब हम खाएंगे टिक्की। लेट्स टेस्ट टिक्की। जल्दी मिर्च कम दी। मम्मी गुस्सा हो जाएंगे भाई। मम्मी मैंने तो भी टेस्ट भी नहीं किया, बताएंगे मम्मी कैसा लगा टेस्ट है। अरे बताओ खाने में कैसी लगी। सो भाई ओवरऑल टेस्ट तो बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी क्या ज्यादा मिर्च है। मैं मिर्च कम खाता हूँ। अरे देख यहाँ पे, देख कैमरे में देख, म्यो म्यो कर देख बात। सो भैया सुबह से हो रही है बहुत तगड़ी बारिश, और भाई हमारा बिल्ला भी आ चुका है भैया साइड में, और हम धुल रहे हैं यहाँ पे कपड़े। कपड़े ऐसे धुल रहे हैं क्योंकि भाई वही जैसे कि पता है पहली बार जुगाड़ अपना कि यहाँ धुल के सुखा देंगे कपड़े अंदर, क्योंकि बाहर तो बारिश पड़ रही है और कपड़े पहनने के लिए भी चाहिए भाई, क्योंकि मैं टी शर्ट नहीं पहनना काफी दिन से, ओनली इन शर्ट्स। सो इसलिए भाई बाकी बिल्ले को भी दिखा देते हैं। जो आपने परसों के व्लॉग में देखा तो वो मतलब इसको मैं दिखा नहीं पाया था, तो ये बिल्ला है और जो आपने देखा था वो बिल्ली है, है ना। बट डेंजर लगता है वैसे, पर है ये बढ़िया, मतलब शान से बैठ रहेगा। जैसे मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा ना, जब हाथ लेके जाऊंगा तो अपने कान ऊपर कर लेता है। बाकी वैसे है बढ़िया, ठीक है, कुछ मतलब कहता वहता नहीं है। बाकी इसको दूध दे दो फिर तो कुछ भी नहीं बोलता। मम्मी सर्फ का डब्बा कहाँ रखा है। ये रहा, बाथरूम में रखा हुआ है। बाथरूम में रखा है। एक तो मेरी चप्पल बड़ी स्लिपरी सी हो रही है, ठीक है, कभी पता लगे भाई मैं फिसल ले जाऊं और धुल जाए मेरे कपड़े। So, इसलिए थोड़ा सेफली चलना पड़ता है। अब थोड़ी देर में इस पूरे में झाग हो जाएंगे। बाय द वे कपड़े बहुत धुलने के लिए, ये सारे कपड़े धुलने, ये अपनी जीन्स है और प्रीमियम वाली जीन्स इसके अंदर धुल रही है, एक शर्ट भी धुल रही है अपनी इसमें प्रीमियम वाली। बाकी इधर कुछ इसमें कच्छे वगैरह है भाई, सो मैं दिखाना नहीं चाहता। और बाकी ये सब है जिससे धुलने पड़े कपड़े, ये बहुत पहले के सूखे हुए हैं, सो अभी इनको कुछ ये तो सूखे भी नहीं अभी तक, इसलिए हमको धुल के सुखाएंगे अंदर। अभी मैंने बोल दिया था ये कपड़े सूखे हुए हैं बहुत पहले के, ये मतलब गीले हैं अभी तक, सूखे नहीं है बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश पड़ रही है इसलिए, क्योंकि धूप नहीं हो रही और बारिश पड़ रही है तो इसलिए सूखे नहीं है। इन्हें ही रहने देंगे, क्योंकि इन्हें अंदर लेके जाएंगे तो थोड़ा सही नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़े कपड़े अजीब से हो गए हैं अभी, इन्हें भी दोबारा धुलेंगे और बाकी जो कपड़े धुल रहे हैं इनको सुखा देंगे। और एक चीज और, जैसे कि मतलब अभी दो चार दिन से कंटिन्यू बारिश पड़ रही है, बिल्कुल धूप नहीं आ रही, सो जो ठंडी है ना वो आनी शुरू सी हो गई है, ऐसे मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मैंने हाफ पहना हुआ है और वैसे भी यार अभी गर्मियां ही है एक तरह से, तो हाफ ही पहना हुआ है तो ठंड महसूस होनी शुरू हो गई है। मतलब आज 24th अक्टूबर हो गई, ठीक है, दशहरा भी आने वाला है बाय द वे 5 या 6 अक्टूबर का शायद से, सो दशहरे का टाइम तक मोस्टली ठंड हो ही जाती है, ठीक है, सो शायद इसलिए बारिश पड़ रही होगी, ठंड होनी चाहिए भाई, रावण ठंड नहीं फूकना चाहिए, ठीक है। बाकी चलो ठीक है, और हाँ रावण की अपडेट, रावण का चेहरा बन चुका है बहुत अच्छे से और पेट वगैरह बन चुका है, थोड़ी बहुत चीजें रह रही हैं जो कि हम इस वाले व्लॉग में शायद से आपको शाम को दिखा देंगे। अगर ऐसा होगा तो इस वाले व्लॉग में इस वाले व्लॉग का थंबनेल रावण वाला ही होगा, और वरना तो फिर वीडियो के बाद पता लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ। आ गया भाई बिलाऊ के लिए दूध, और बिलाऊ क्या कटोरी कहाँ है, बिलाऊ तेरी कटोरी, अच्छा वो रही, दूध को कहाँ रखूँ पहले, क्योंकि ये झपट्टा मार देगा, इसे रख देते हैं यहाँ पे। बिलाऊ तेरी कटोरी यहाँ पे आ जा, अब वहां से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, आ जा दूध पिएगा ना, आ जा आ जा, ले 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 ले, देख आ गया ना। मैं प्यार कर रहा हूँ तेरा, प्यार कर रहा हूँ, अरे प्यार कर रहा हूँ, दूध पी ले तू, बाबू है ना, नन्ना सा बाबू, यहाँ से गीला हो रखा है। भाई तभी इसकी पूछ काफी बड़ी है और इसकी पूछ पे दिक्कत भी हो रही है, देखो ये देखो बाज झड़ने शुरू हो गए, क्योंकि भाई ये बड़ा हो चुका है, क्योंकि ये बिल्ला है ऑब्वियस ही बात, ये घर का काम करता होगा सारा, इसलिए यहाँ पे खड़ा होगा, अभी दूध पी रहा है फिलहाल। देखो 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 ये बिल्ली को देखो, एक इसका मैंने स्लो मोशन नहीं बनाया है, शायद आपको अच्छा लगा होगा, सो वीडियो को लाइक कर देना। ओए देख यहाँ पे, देख कैमरे में देख,
म्याऊ म्याऊ कर दे एक बार, कैसे दिख रहा है मुझे? अरे भाग गया, आ गया ये नीचे आ गया। अब चलो कोई दिक्कत नहीं, तू आराम कर आराम से भाई। अब जैसे अपने घर के पास में बिल्ली है ठीक है, तो हम उसको दूध पिला देते हैं। बाकी अपने पापा जब ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर जो बहुत सारे वो होते हैं ना डॉग्स वगैरह, सो उन्हें भी चीज़ें करते हैं। मतलब मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा या मैं दिखा रहा हूँ कि भाई मैं दान कर रहे हैं वगैरह वगैरह। पापा आज से नहीं भाई, पिछले 3-4 साल से जा रहे हैं ठीक है, तो उन्होंने आते हैं शिफ्ट शिफ्ट से। बाकी जो भी है भाई, अगर आपके घर के पास कोई ऐसी बिल्ली आती है या बिल्ला आता है या डॉग आता है कुछ भी आता है, तो थोड़ी बहुत उनकी केयर कर दिया करो ठीक है, क्योंकि वो कमाते नहीं है पहले चीज़, वो दूसरी चीज़ वो कुछ कर नहीं सकते पैसे कमाने के लिए, और तीसरी चीज़ ये उन्हें मारा मत करो ठीक है। और भाई ऐसा है कुछ अगर आए या चलो एक बार के लिए आप उन्हें खाने के लिए मत दो ठीक है, लेकिन मारो मत पहली चीज़। देखा अब चला गया बिल्ला यहाँ से, अब थोड़े दिन बिल्ली दूसरी आएगी। बाय द वे बिल्ले नाइस जंप, अगर तू ऊपर देख रहा है तो देख रहा है क्या? देख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। चलो ठीक है भाई, अब कपड़े धुलते रहेंगे, जब कपड़े धुल जाएंगे तो मशीन आवाज़ कर देगी पहले की तरह टी, तो हमें लग जाएगा पता ठीक है। बाकी अब तो पता नहीं क्या करेंगे, घर के अंदर आ गए। लेकिन सो भाई सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं गाड़ी में कैसे आ गया। सो भाई जब से व्लॉगिंग ही बनाया था, क्योंकि पूरा दिन निकल गया और बारिश बारिश पड़ रही थी, सो अभी निकले थे हम बाहर और अभी लेके आए हम टिक्की जो कि मम्मी के हाथ में है ठीक है। मम्मी दिख नहीं रही क्योंकि यहाँ पर लाइट, ये लाइट ख़राब हो रखी है इसलिए लाइट ऑन भी नहीं है ठीक है। और ये वाइपर मैंने इसलिए ऑफ किया था क्योंकि इससे आवाज़ आ रही थी। आप कोई दिक्कत, थोड़ा आराम से ऑन कर लिए। बाकी अभी घर जाएंगे और आपको दिखाते हैं टिक्की और टिक्की का टेस्ट बताएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मम्मी और मैं निकले थे। सो चलते हैं अभी घर और सीधा मिलते हैं घर पहुँच कर और टिक्की का टेस्ट बताते हैं। उतर जाओ मम्मी आप, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ, अब उतर जाओ जल्दी, उतर के सीधा तेज जाइए तेज, पानी भर जाएगा नहीं। अरे गेट मार दिया, गेट गेट में लग गया। अरे बंद कर दो इसे, कर दो। सो मम्मी को भेज दिया है पहले ताकि भाई मम्मी जल्दी से अंदर पहुंच जाए, वैसे मम्मी जाएंगे आराम आराम से क्योंकि मम्मी को रहता कहीं गिर ना जाए। बाकी भाई घर पहुंच गए, गाड़ी पार्क कर देते हैं भाई ताकि फिर हम भी अंदर जाएं और मजे सी खाएं टिक्की। एक छोटा सा स्लोमो बना लेता हूँ उसका जब पानी गिरता है ना, एक सेकंड बस, अभी इस वीडियो के बाद देखना आप स्लोमो। फाइनली पहुंच गए हैं घर पे और मम्मी भी आ गई हैं, अब खाएंगे हम टिक्की। मम्मी अपनी टिक्की भी मतलब इसी में खा लेंगे ठीक है, उसमें मत करियो डोंगे मोंगे में, इसमें खा लेंगे और अब मजा आएगा मौज। अब हम खाएंगे टिक्की, लेट्स टेस्ट टिक्की। बाकी भाई सुबह से व्लॉग नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बारिश पड़ रही थी, पूरे दिन से बारिश पड़ रही है। बाहर मैं कहीं गया ही नहीं और बैडमिंटन खेलने जाने का प्लान था, वहां भी नहीं गया ठीक है। और टाइम हो गया भाई 8:30 जो कि मैंने आते ही दिखा दिया था। बाकी भाई और क्या ही बताऊं, कुछ भी दिन में अच्छा हुआ ही नहीं, बारिश पड़ जा रही है। इतनी बारिश भी ठीक नहीं है भाई, जो मूंजी होती है ना चावल जो खराब हो चुके हैं भाई, लोगों के धान वगैरह लगाते सब खराब हो गया ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। और मैं तो अपने गांव में गया नहीं हूँ, वैसे मेरे गांव में मोस्टली खेती गन्ने की होती है, शुगर केन सबको पता ही होगा। सो इतना अपने वहाँ पे चावल का है नहीं, होता है लेकिन इतना खास नहीं है। और बाकी लेकिन देखो जिनका नुकसान हुआ, नुकसान तो नुकसान है भाई, जो कि न्यूज़ में भी आ रहा था आज सुबह। बाकी इतनी बारिश नहीं पड़नी चाहिए यार, जितनी अवेलेबल हो, अवेलेबल बोल रहा हूँ मतलब जितनी अफोर्डेबल भी नहीं कह सकते, मतलब जितनी वो हो ना सफिशियंट, क्या बोले मैं, अफोर्डेबल कह दिया, एलजी में कह दिया, सफिशियंट बारिश पड़नी चाहिए, उससे फालतू ना पड़े ना तो बेटर है। और जब चाहिए बारिश, जब पड़ती नहीं है, जब चाहिए हो जब पड़ती नहीं है और जब नहीं चाहिए जब बारिश पड़ती रहती है, पर कोई दिक्कत नहीं भाई, सब कुछ कुदरत का फरिश्ता है। और नुकसान भी है जिंदगी में, प्रॉफिट भी है, सब कुछ है। सो जो भी होगा देखा जाएगा आगे, बाकी फिलहाल टिक्की इंजॉय करते हैं। दीज आर आवर 3 टिक्की, 1, 2, 3। नमक क्या डाल लियो? अच्छा दाल, अच्छा दाल भी बन रही है साथ में। और हमने उठा ली है अपनी टिक्की, ये रही ये दाल, ये वाली दाल बनेगी आज, बाकी ये टिक्की है और ये रही अपनी स्पून। मम्मी आ जाओ आप भी टिक्की लेके। सुबह है इस दावा टिक्की और इसे खोलते हैं और टेस्ट करते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। मम्मी आ जाओ आप भी यार, अरे साथ में खाएंगे आ जाओ। अभी मम्मी कर रही है दूध गर्म, तो मम्मी लेट आएंगी, इससे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं एग्जैक्टली टेस्ट कैसा है। बाकी मैं शिल्पा के लिए भी लेके आ गया हूँ और अपनी टिक्की खा लेते हैं और फिर इसको आपको बताते हैं टेस्ट करके। मैं तीसरी बार बोल चुका हूँ कि बताऊंगा टेस्ट करके, अब इस बार खाते हैं 100% बताऊंगा ठीक है। पहले कुछ स्लोमो ले लेते हैं, स्लो मोशंस। ये देखो भाई, ये रही हमारी टिक्की,
जिसके अंदर ये आलू भी दिख रहा होगा और कुछ नमकीन वगैरह पड़ी हुई है, ऊपर से प्याज पड़ी हुई है, मटर भी है और थोड़े से गोलगप्पे भी हैं। और मम्मी भी आ गई अपनी टिक्की लेके, बैठ जाओ मम्मी। अरे सारी दुनिया को दिखाना क्या इसमें मम्मी, व्लॉग बन रहा है यार। हाय बोल दो व्लॉग में, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो मम्मी, मम्मी ऐसे कर दो। अरे मम्मी कर दो यार, करो तो सही, करो करो। अरे ऐसे कर दो, चलो ऐसे कर दो, हाय मत करो, ऐसे कर दो, दो उंगली दिखा दो बस, दो उंगली दिखा दो। चलो मम्मी, मैंने तो भी टेस्ट भी नहीं किया, बताएंगे मम्मी कैसा लगा टेस्ट है। अरे बताओ खाने में कैसी लगी, मुंह से बोलो अच्छी लगी, अच्छी लगी। बहुत अच्छी है ना। तो अब मतलब आप चाहते हो कि आपको एक और टिक्की खाने के लिए मिले, एक ही खाओगे बस? चलो ठीक है, मम्मी तो भाई एक टिक्की खाएंगे, मम्मी कह रही है कि एक टिक्की बहुत है, और मम्मी ने बोल दिया अच्छी बनी है, तो ऑब्वियसली बात है अच्छी बनी होगी। अब मैं भी करता हूँ टेस्ट और अपना बताता हूँ एक्सपीरियंस कि कैसी लगी मुझे खाना। वीडियो ऑन कर दी है और ये रही अपनी टिक्की, ये देखो गिर जाएगी, ठीक है अभी खाते हैं इसको। हाँ लग रहा, बढ़िया, एकदम बढ़िया टिक्की, अपने घर के पास में मिलती है, बहुत बढ़िया टिक्की। सो भाई ओवरऑल टेस्ट तो बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी क्या ज्यादा मिर्च है, ठीक है मैं मिर्च कम खाता हूँ, बाकी जो लोग तीखा खाना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए बढ़िया है। बाय द वे ये नॉर्मल सी मिर्ची है, ठीक है मेरे को थोड़ी ज्यादा हाई लगती है क्योंकि मैं मिर्च खाता, मैं बिल्कुल मिर्च नहीं खाता, ठीक है। चिली पोटेटो के अंदर भी ओनली सॉस और पोटेटोस, ठीक है नो चिली, ठीक है बिल्कुल चिली नहीं खाता मैं। और बाकी मम्मी थोड़ा खा लेती है, पापा तो बहुत मिर्च खाते हैं, तो बाकी भाई ठीक है मैं बहुत कम मिर्च खाता हूँ, बाकी जो भी है चलो अब तो खानी पड़ेगी क्योंकि टिक्की खानी है और मन कर रहा है, भूख लग रही है बहुत ज्यादा, बाकी थोड़ी सी मिर्च ज्यादा है, बाकी ओवरऑल टेस्ट बेस्ट, एकदम बेस्ट, मतलब नॉर्मल मिर्ची, मतलब इतनी नॉर्मल इतनी मिर्ची सफिशियंट होती है किसी नॉर्मल आदमी के लिए, बट मेरे मैं खाता नहीं हूँ इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, बाकी ओवरऑल टेस्ट बेस्ट है एकदम। तो मम्मी ये बताओ कि जैसे अभी आपने टिक्की खाई तो आपको टिक्की ओवरऑल कैसी लगी, मतलब कुल मिला के आपको टिक्की कैसी लगी खाने में, ये बताओ। ठीक थी, मतलब ना ज्यादा बढ़िया, मतलब ना ज्यादा बढ़िया, ना ज्यादा मतलब खराब, अच्छी थी। मिर्च मिर्च ज्यादा थी, मिर्च कम थी, ठीक है मेरा जो। हाँ मम्मी गुस्सा हो जाएंगी भाई, मतलब मम्मी कह रही है ठीक मिर्च थी क्योंकि मम्मी ज्यादा मिर्च खा लेती हैं, मैं नहीं खाता, ठीक है बाकी मम्मी ने बोल दिया ठीक थी, तो मतलब गुड बोल सकते हैं, नॉट वेरी गुड, ठीक है एक्सीलेंट तो भाई बहुत ऊपर हो जाएगा, बाकी भाई गुड बोल सकते हैं कि एवरेज, हाँ एवरेज बोल सकते हैं कि एवरेज था, बड़े लगा, ठीक है। और बाकी मेरे को तो खैर मिर्च बहुत लगी क्योंकि मैं मिर्च खाता नहीं, बाकी ओवरऑल टिक्की अच्छी थी, मम्मी ने बोल दिया तो फिर ठीक ही है भाई, ओनली ठीक बस। मम्मी डेंजर, मम्मी गुस्सा हो रही है भाई।